अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। आप लोग की दुआ से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज के हमारी रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं हैदराबादी बोंडे, इसको बोंडे बोलते हैं। तो मैं माश की दाल से मेरे तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने जो माश है ना, सुबह 100 ग्राम माश है ना, चावल डाल के मैं भिगा दी। चावल थोड़ा, एक मुट्ठी चावल है और 100 ग्राम माश है, इसको मैं मैदे के आटे में बनाऊंगी। तो आप लोग पूरी रेसिपी लास्ट तक क्या होता है मैं बताती हूँ आप लोग किस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अभी इसको मैं पूरा बारीक पीस लूँगी, जैसा अपने इडली के आटे के लिए पीसती ना वैसा पीसूँगी, उसके बाद आप लोग बताती हूँ। तो देखो, हम लोगों ने आटा, माश का आटा, देखो मैंने चावल डाल के भिग गई थी ना, 100 ग्राम माश है ऐसा पीस ली मेरी बच्ची ने। तो अभी इसमें मैं ये दही डालूँगी, एक पैकेट 10 रुपये की दही है, ये एक पैकेट डालूँगी। तो ये बोंडे हैदराबाद के हैं, मगर थोड़ा मेरा स्टाइल है, इसमें अलग स्टाइल से बना रही हूँ। आप लोग ज़रूर बनाना, उसको ट्राई करना और खाना, और कमेंट में लिखना कैसा बना। तो ये देखो, मैंने कांदा कैसे मैदे के लिए चॉप कर दिया, वैसे चॉप कर लिया। हरी मिर्ची है, ये भी मैं इसमें डालूँगी। नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालना। ये चिली फ्लेक्स है, ये एक छोटा स्पून है, ये मैं डाल रही हूँ। आप लोगों को चाहिए तो डालना, नहीं तो नहीं। मिर्ची और नमक और तेल, हर चीज़ अपने हिसाब से आप लोग खाना, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो ये थोड़ी हरी कोथमीर है, कोथमीर थोड़ी मैं डाल रही हूँ। तो ये खाने का मीठा सोडा है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें, आधा स्पून, छोटा स्पून है ये। तो 100 ग्राम मैदे का आटा है, तो ये एक स्पून बड़ा रवा है, ये भी इसमें डाल के मैं फेटूंगी। ये बहुत प्यारे बोंडे बनते हैं, इसकी चटनी भी बनाऊंगी सेम की, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इसमें बना, इसमें ऐड करूंगी चटनी भी बताऊंगी आप लोगों को। और ये बड़ा आप लोग बना के खाना और कैसा लगा बताना मुझे कमेंट में। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करो, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये छोटा स्पून एक ज़ीरा है, ये भी मैं डालूंगी इसमें। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना आप लोगों को ये बैटर तैयार करना है, आप लोगों को भजिए की तरह बैटर, ज़रा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा। और इसको बनाने से एक घंटा पहला इसको बैटर को तैयार करके रखना है, फिर उसके बाद ही इसको फ्राई करना है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये बैटर देखो मैंने इस तरीके से करी हूँ। अब इसको मैं एक घंटे के लिए, मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं आधा घंटा रखूँगी, आप लोग एक घंटा रखना, तो मैं आधे घंटे के बाद फ्राई करूँगी तो बताऊँगी। तो ये है हमारे बोंडे की चटनी। तो ये सेंग है 50 ग्राम, मैंने इसको भून ली हूँ। और ये फुटुकला है थोड़ा सा 2 स्पून, थोड़ी सी इमली है, सूखी मिर्ची 4 है, हरी मिर्ची 2 है, पुदीना है थोड़ा, कोथमीर है, लहसुन 10-12 कली, ये सब मैंने धो चुकी हूँ। धो के भी मैं डायरेक्ट पीसने का इसके लिए आप लोग को बता रही हूँ। ये बोंडे की चटनी है। तो नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही, आप लोग अपने हिसाब से डालना। तो मैंने फ्राई करने की कढ़ाई रख दी हूँ, तब इसमें तेल डालूँगी। तो मेरे को आधा घंटा हुआ बैटर को रख के, देखो ये सही तरीके से फूगा नहीं है, ये और फूकना चाहिए, रवा वगैरह इसमें है ना। तो आप लोग एक घंटा रखना, मैं बस टाइम नहीं करके मैंने आधा घंटा रखी हूँ। तो अब इसको मैं देखो, इतना मेरे को गाढ़ा चाहिए। तो ये रवा, ये वड़ा आप लोग बना के खाओ, कितना प्यारा बनता है। अभी देखो मैं इसको तेल गर्म हो जाएगा, मैं फ्राई करके बताऊँगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम हाथ से डालेंगे, बताओ हम आहिस्ते एक तरफ हमारे बड़े हो गए तैयार, ये पीछे से हम डन कर रहे हैं इसमें। तो हमारे बोंडे हो गए तैयार, दो फ्राई होके माशाल्लाह। हम इसको निकालेंगे और दूसरे बोंडे डालेंगे इसमें। तो देखो हमारे बोंडे माशाल्लाह कितने अच्छे सॉफ्ट है, वो इसमें चम्मच से मैं दबाए देते सॉफ्ट है। और इसको डालते साथ ही बारीक कर देना, बारीक पे तलेंगे तो ज़रा अंदर से भी तले जाते हैं। हो गई पीस के तैयार, अब इसको हम बघार लगाएंगे, तड़का लगा के बताएंगे। तड़के के लिए मैं तपेली रख दी हूँ, तपेली हो गई बिस्मिल्लाह में। ये 1.5 पैरी तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, 1.5 पैरी तेल डालूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम राई माश डाल रहे हैं इसमें।
तो एक सूखी मिर्ची डाल रही हूँ मैं और एक तो आज की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है हैदराबादी बोंडे। सो बोंडे बोलते हैं हम लोग, भजिया बोलते हैं, जो भी बोलो। तो चटनी देखो माशाल्लाह, चटनी को मैंने आप लोगों को बताई, पूरी शेयर करी हूँ, ये बगैर तड़का लगाई हूँ। तो आइए और हमारे बोंडे देखो माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कितने प्यारे बने हैं देखो आप लोग अंदर। तो आइए आप लोग भी भजिया खाने और बोंडे खाने और ऐसे मेरे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ बने रहूँगी और जो भी बनाऊँगी आप लोगों को शेयर करूँगी। और आप लोग मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे लाइक और शेयर करो और कमेंट करो और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। और अच्छी मेरी वीडियो लग रही है तो अपने आप अपनी फैमिली में वो ज़रूर शेयर करो, मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और ऐसी दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।